सब प्रेस के साथियों का इस पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा दो दिवसीय दौरा है जम्मू कश्मीर का, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब का, उसके रिलेटेड है। क्योंकि आप लोगों में भी पिछले दो तीन दिनों में क्यास लग रहे थे, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। आज हमारी सारी पिक्चर क्लियर है, इसलिए हम ने ये डिसाइड किया कि प्रेस के साथियों को बुला के ब्रीफ उनसे बात कर ली जाए। साथियों, दो दिन के दौरे में एक दिन राजौरी पुंछ को मिला है, एक दिन बारामूला कुपवाड़ा को मिला है। दोनों एरिया जो हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में खुद चल के देश के एक बिल्कुल तगड़े जो गृह मंत्री हैं, वो दौरा करके यहाँ के लोगों से डायरेक्ट वन टू वन बात करेंगे, अपनी बात उनको सुनाएंगे और उनकी बात करेंगे। और हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि जो हमारे ये पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको उनके आने से इसको कोई फ़ायदा होगा। मेरा आप सब मीडिया के थ्रू, सब राजौरी डिस्ट्रिक्ट के, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितने लोगों तक हमारी बात पहुँचे, मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि 1 तारीख को ठीक 10 बजे सलानी बस स्टैंड जो हमारा है, वहाँ पहुँचकर श्रीमान अमित भाई शाह साहब की रैली को शोभा बढ़ाएं, खुद भी हर्षित हो और वहाँ से अपने अमित शाह जी का मार्गदर्शन लें। मैं मान के चलूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है, ये किसी एक कबीले की, किसी एक पक्ष की, किसी एक जात की, किसी एक बरादरी की, किसी धर्म की रैली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रैली है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे गुज्जर भाई, पहाड़ी भाई, जितने भी फिरके इस राजौरी पुंछ में रहते हैं, सबसे हमारा हम्बल निवेदन है कि इस रैली में आए और इस रैली की जो है वो शोभा बनाएं। 10 बजे 1 तारीख सलानी ब्रिज बस स्टैंड। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा, दो दिन का दौरा जम्मू कश्मीर का हो रहा है, ऐतिहासिक दौरा है। बिना चुनावों के ये रैलीज हैं और दोनों के दोनों रैली जो हैं, एक राजौरी में है, 1 अक्टूबर को माननीय अमित शाह जी ने राजौरी आना है और 2 अक्टूबर को कुपवाड़ा में एक बड़ी रैली को उन्होंने संबोधन देना है। ये मेगा रैलीज होने वाली हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर। राजौरी भी और पुंछ दोनों बॉर्डर ज़िले हैं, कुपवाड़ा और बारामूला भी दोनों बॉर्डर ज़िले हैं। दोनों बॉर्डर ज़िलों के ऊपर उन्होंने 2 रैलीज रखी हैं, राजौरी पुंछ हो या कुपवाड़ा बारामूला के लोग हों। 1947 से लेकर 65-71 अब जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें बेस्ट सफर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के भी भुक्तभोगी रहे हैं। क्रॉस फायरिंग जो होती है, पाकिस्तान उधर से जो फायरिंग करता है इन इलाकों के अंदर, बड़ा नुकसान, भारी नुकसान जो है यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त किया है। हम दिल की गहराइयों से माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने राजौरी और कुपवाड़ा को चुना है जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम लोगों का दुख दर्द सुनने आ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं जितना उत्साह इस समय यहां राजौरी पुंछ के लोगों के अंदर है, चाहे पहाड़ी समाज के लोगों की हम बात करें, चाहे गुज्जर समाज लोगों की बात करें, चाहे ओबीसी समाज के लोगों की बात करें, सब के अंदर एक इस समय खुशी की लहर है कि इतने ताकतवर होम मिनिस्टर पटेल जी के बाद इस देश के अंदर अगर कोई ताकतवर होम मिनिस्टर आए हैं तो माननीय अमित शाह जी आए हैं। वो राजौरी आ रहे हैं, राजौरी पलकें बिछाकर उनका इंतज़ार कर रहा है। राजौरी और पुंछ पुष्पों से उनका स्वागत करेगा और ये लग रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उनकी रैली में आने वाले हैं। ये रैली 3 बजे हम सब लोग न्यू बस अड्डे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वही स्थान हमारा फाइनल हो जाएगा। न्यू बस अड्डा जो सलानी के पास है, वही स्थान जो है वो उसमें लगता है मुझे कि वो फाइनल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी आ रही है और क्योंकि वो सेंट्रल प्लेस है, आज पुंछ में आज सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, मेंढर से फ़ोन आ रहे हैं, सुरनकोट, मैं कहूँ बफलियाज से कितने फ़ोन सुबह के आए हैं कि हम इतनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, हम इतनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। एक बड़ा जन समूह जो है, सैलाब जो है, वो देखने को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से राजौरी पुंछ की जनता को ये कहना चाहूँगा और ख़ासकर राजौरी शहर के लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा
माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए अगर हमें लगे तो हम उस दिन बड़ी संख्या में राजौरी शहर से लेकर राजौरी पुंछ के लोग जो है वो निकलें। हो सकता है कि उस दिन को बड़ी अनाउंसमेंट भी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल होना अभी बड़ा जरूरी है और वो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई ऐसी बात वो बोल सकते हैं जिससे कि किसी एक बड़े समुदाय को वो बड़ी खुशी की लहर मिलेगी, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। 5 अगस्त 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के उन सब लोगों को इंसाफ मिला जिनके साथ ज्यादती हो रही थी। बेस्ट पाक रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप राइट मिले, यहाँ की बेटियों को सिटीजनशिप राइट मिले जिनकी शादी बाहर हो जाती थी, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को उनको राइट मिले, गुज्जर बकरवाल समाज को जिनको 60 साल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पीसा, वोट लेते रहे और उनके साथ बड़ा इंसाफ किया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, और अभी हमने देखा एक बड़ा फैसला, गुज्जर समाज से ही, हमारे एसटी समाज से ही हमारे पुराने कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता खटाना साहब को जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया है। इसी तरीके से वो सारे समाज के लोग जो जिनके साथ अभी तक ज़ाती उनकी जो डिमांड है पूरी नहीं हुई है, उनकी डिमांड भी पूरी हो सकती है। आखिर में मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब लोग भारी संख्या में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, जिनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में 10 बजे पहली तारीख को 10 बजे नए बस अड्डे पर अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हम उस मेगा रैली का हिस्सा बने जिसको माननीय देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है अनाउंस करने वाले हैं। उन्होंने जम्मू की एक रैली में बोल दिया था, आपने भी उसको सुना होगा, कि कोई कारण नहीं है कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। ये बात उन्होंने बोली थी, जम्मू की रैली में बोली थी, और राजौरी पुंछ के अंदर तो गुज्जर बकरवाल समाज और पहाड़ी समाज के सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भारी संख्या में वहां पर आए। बोला है गृह मंत्री जी हैं, उनको यहाँ पर रैली करनी है। हम लोग जब उनसे मिले थे, पहाड़ी कबीले का डेलीगेशन भी मिला था, उसके बाद हमारा कोर ग्रुप का डेलीगेशन भी दिल्ली उनसे मिला था, हम उनको न्योता देकर आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं सितंबर के आखिरी हफ्ते में आऊँगा, तो पहली तारीख को अपनी कमिटमेंट के ऊपर वो पहली तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जो उनकी कोई वहाँ पर अनाउंसमेंट की बात है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो माननीय होम मिनिस्टर जी ने देखना है कि भाई उन्होंने क्या फैसला लेना है। लेकिन मैं ये कह दूँ कि जस्टिस जीडी शर्मा के जो वो हमारे चेयरमैन थे, जो कमीशन बना था, उन्होंने जो रिकमेंडेशन की है वो पहाड़ी कबीले के हक में की हुई है।